Hello students, how are you? Good afternoon to all of you. Today, I am going to explain the next topic, which is on page number 26 for class 7. That is, digestion of undigested food under chapter nutrition in animals. Okay? So, let's start. Digestion of undigested food, यानी कि जो undigested food होता है या जो भोजन जो है पचा हुआ नहीं होता है उसको हम eject कैसे करते हैं, यानी कि बाहर कैसे जो है निकालते हैं। Digestion मतलब होता है मल तैयार करना या शौच करना। The semi-solid undigested food is pushed out of the animals, यानी कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम पार्ट ऑफ फूड जो है क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद से जो भोजन होता है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे जो सॉल्टी मटेरियल और जो उसमें जो है मॉइस्चर होता है यानी कि वाटर होता है उसको जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है वो जो है क्या होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। तो ये सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इसको जो है हम शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन और डिफेकेशन बोलते हैं, यानी कि शौच करना या मल त्याग करना जो है कहलाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड रेजिड्यू दैट एंटर्स द रेक्टम फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द फेसेस, यानी कि जो अपचा हुआ भोजन होता है उसका जो रेजिड्यू पार्ट होता है दैट इंटर्स द रेक्टम, जो कि रेक्टम में प्रवेश करता है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत से जो है रेक्टम में प्रवेश करता है, तो उसको जो है उस अनडाइजेस्टेड फूड को जो है हम फेसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स, ठीक है, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब क्या हुआ, वैसे ही जीव जो अपने भोजन को क्या करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, अपने लंगड़े जुगाली करना। जैसे जानवरों को देखा होगा कि वो जानवर क्या करते हैं, हमेशा जो है अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं जुगाली करना। तो उनको हम इंग्लिश में रूमिनेंट्स कहते हैं, यानी कि ये जो रूमिनेंट्स होते हैं या जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं वो अपने भोजन को कैसे जो है पचाते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस, गोट्स, सी डियर एक्सेट्रा आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, वैसे जानवर जो कि घास खाते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, हिरन एक्सेट्रा आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, इनको हम जो है जुगाली करने वाले जीव कहते हैं। बिकॉज अ पार्ट ऑफ देयर स्टमक रूमेन इज स्पेशलाइज टू स्टोर हाफ च्यूड फूड, क्योंकि इनके पेट का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं, ये जो है हाफ च्यूड फूड को जो है स्टोर करने का काम करता है, यानी कि हाफ च्यूड फूड का मतलब क्या हुआ कि जो है आधा आधा पचा हुआ जो भोजन होता है या घास होती है उसको जो है स्टोर करने का ये काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, ठीक है। द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हैज फोर चैम्बर, यानी कि जो रूमिनेंट्स जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं उनके पेट को जो है चार भागों में बांटा गया है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम एंड एवो ओमैसम, ठीक है, एवो मैसम, इन चार भागों में जो है रूमेंट्स के पेट को डिवाइड किया गया है। रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि जो रूमेन होता है ये जो है लार्जेस्ट चैम्बर, ये सबसे बड़ा जो है चैम्बर होता है, पार्ट होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने का, यानी कि यहाँ पे भोजन जो है बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा किया जाता है। रूमिनेंट्स क्विकली स्वैलो पार्शियली और हाफ च्यूड फूड, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, या फिर जो है हल्का फुल्का जो है हाफ च्यूड फूड, यानी कि हल्का फुल्का चबाते हैं और उसको जो है अपने पेट में निकल देते हैं। द सालविया मिक्स्ड हाफ च्यूड फूड इन स्टोर इन द रूमेन, और ये जो हाफ च्यूड फूड होता है आधा
लाभ के साथ जो है मिक्स, सालविया लाभ के साथ मिक्स होकर जो है, सालिवा लाभ के साथ मिक्स होकर जो है ये रूमेन में जाके जो है इकट्ठा हो जाता है। हियर फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सालिवा, यानी कि यहाँ पे जो भोजन होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी कि उसका जो है कुछ पार्ट जो है क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है बाय द एक्शन ऑफ सालिवा, यानी कि लार के क्रिया के द्वारा जो है कुछ भोजन जो है यहाँ पे ह्यूमन में जो है पच जाता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, यानी कि ये जो आधा पचा हुआ जो भोजन होता है या आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। वेन रूमिनेंट्स सिट एंड रिलैक्स, जब ये रूमिनेंट्स यानी कि जुगाली करने वाले जीव जो है बैठते हैं या आराम करते हैं, द कर्ड फ्रॉम द रेटिकुलम कम्स बैक इनटू द माउथ कैविटी इन स्मॉल लंग्स एंड इट च्यूड अगेन। तो रेटिकुलम से जो है कुछ पार्ट यानी कि थोड़ा थोड़ा भोजन का पार्ट जो है इनके माउथ में वापस जो है आता रहता है, ठीक है, और वो उसको दोबारा जो है क्या करते हैं, कंप्लीटली च्यूड करते हैं, चबा लेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड, इस प्रोसेस को हम जो है कट यानी कि भोजन को चबाना या जो है रूमिनेशन कहते हैं, यानी कि जुबानी करना कहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली च्यूड फूड डायरेक्टली रीच टू द ओमेसम वेयर वाटर फ्रॉम द फूड इज एब्जॉर्ब, यानी कि जो कंप्लीटली च्यूड फूड होता है यानी कि पूरी तरह से चबाया हुआ जो भोजन होता है ये डायरेक्टली अब जो है ये रेटिकुलम में नहीं जाता है बल्कि जो है ये कहाँ पे जाता है, डायरेक्टली जो है ओमेसम में जाता है, ठीक है, जहाँ पे वाटर को फूड से जो है अलग कर लिया जाता है। द फूड इज देन पुश्ड इनटू द ओमेसम विच इज द ट्रू स्टमक, और ये जो वहाँ से पानी निकालने के बाद उस भोजन को जो है ओमेसम यानी कि पेट के फोर्थ वाले पार्ट में भेज दिया जाता है जिसको हम उस रूमिनेट का ट्रू स्टमक कहते हैं, यानी कि वास्तविक पेट जो है ये ओमेसम ही होता है, यानी कि ये कम्प्लीटली च्यूड फूड जो है ओमेसम में ही जाता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, अब जो है सेलुलोज जो है कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे जो है जीव जो है पचाते हैं। प्लांट फूड इज रिच इन सेलुलोज, जो प्लांट फूड होते हैं वो जो है उनमें बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोज जो है पाया जाता है। इन रूमिनेंट्स सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन द स्पेशल सैक प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं वो जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं इन अ स्पेशल सैक, यानी कि एक तरह का एक विशेष तरह का जो है संरचना होता है या हम पार्ट कह सकते हैं, पार्ट होता है प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत आंत के आंत को जो जहाँ पे ये जुड़ते हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड कैकम, इट हार्बर्स जिसे हम जो है कैकम कहते हैं, इट हार्बर्स सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, और इस जो स्पेशल सैक होता है यहाँ पे जो है बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कहते हैं, ये जो है सेलुलोज को जो है पचाने का काम करते हैं, ओके। सो नाउ दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड एंड फ्रॉम माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फाइबर्स, ओके। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।